नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में साथियों जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मेरे घर के बगल में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके कारण जो म्यूजिक का सामना है वो आपको करना पड़ेगा हो सकता है बैकग्राउंड में म्यूजिक्स आए तो उनको इग्नोर कीजिएगा क्लास के ऊपर में फोकस रखिएगा ठीक है बाकी मैंने बहुत सारे कंटेंट बना रखे हैं जो भी इस दौरान दस से बारह दिन के अंदर भी ये कार्यक्रम चलने वाला है तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैंने कंटेंट वाइज बना रखा है बस क्लासेस रिकॉर्ड कर दूंगा डाल दूंगा तो आप बाद में देख लीजिएगा छूटेगा कुछ नहीं ये मेरा वादा है बहुत दिन से क्लासेस नहीं ले पाया मेरी भी बहुत इच्छा थी क्लास लेने की तो मैंने क्यों ना सोचा कि चलो भाई साउंड में ही क्लासेस लूँ अब जो बैकग्राउंड में म्यूजिक्स आएंगे उनको इग्नोर करना और एक बार आप सेशन को जो है ना शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे अच्छा आज चर्चा के अंदर में क्या है चर्चा में है कि 12 शहरों के अंदर में लॉन्च होने जा रहा है क्यू कोड बेस्ड कोड बेंडिंग मशीन अच्छा ये कोड बेंडिंग मशीन क्या होता है समझिए कॉइन बेंडिंग मशीन सॉरी आपने वेंडिंग मशीन तो देखा ही होगा आपने बहुत सारे रेलवे स्टेशन के ऊपर में बहुत जगह वेंडिंग मशीन को यूज किया होगा उसमें आप क्या करते थे क्यू आर एक लगा रहता था वो इसको स्कैन करते थे पेमेंट करते थे और अपने सामान को सेलेक्ट करते थे जो भी आपको सामान चाहिए रहता था उसको आप सेलेक्ट करते थे और क्या करते थे बाय कर लेते थे ठीक कहीं पे कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था और कहीं पे क्यू आर का लेकिन परंतु इसी चीज को देख के ना आरबीआई हो गया प्रेरित बोला अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया चीज है इसको क्यों ना हम इस्तेमाल में के रूप में क्या आएं? मतलब क्या है सर देखिए इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बेंडिंग मशीन होता क्या है तो जीएस पेपर थ्री से इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमिक्स तो हिंदू में भी कवर अप किया गया था एक तारीख की न्यूज है मैं कवर अप कर रहा हूं न्यूज में यह है कि आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो क्यू आर कोड बेस्ड क्वाइन वेंडिंग मशीन को लॉन्च करेगी एज अ पायलट प्रोजेक्ट ठीक है अब वेंडिंग मशीन का तो हम लोग जानते हैं उपयोग क्या है जो भी हमें सामान चाहिए उसका पेमेंट हम करते हैं क्वाइन के माध्यम से या क्यू आर कोड पर कहीं भी आज देखते हो गए क्यू आर कोड लगा रहता है वहां पर आप स्कैन करते हो इस तरह जैसे मैंने फ्रेंड में दिखाई क्यू आर आप ऐसे स्कैन करते हो पेमेंट करते हो उसके बाद आप सामान को सेलेक्ट करते हो और आपको वो सामान मिल जाता है अब एटीएम के केस में क्या होता है एटीएम के केस में होता है कि आप अपना एटीएम कार्ड डालते हो और पैसे निकालते हो ठीक है उसी तरह उसी तरह ये कॉइन वेल्डिंग मशीन आपको मिलेंगे हर अब जगह लेकिन स्टार्टिंग में भी ऐसा नहीं होगा अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है तो मात्र 19 लोकेशन में 12 शहरों के अंदर में इसे लॉन्च किया जा रहा है अब इस केस में क्या होगा इस केस में क्या होगा कि जैसे मान के चलिए आपने ऑटो वाले को भाड़ा देना है दस बारह जल्दीबाजी में चेंज लेना भूल गए या आपके पास चेंज नहीं है तो आपके आसपास में मौजूद होंगे ये वेंडिंग मशीन ये क्वाइन वेंडिंग मशीन आप क्यू स्कैन करोगे उतना पेमेंट करोगे आपको कितने का चेंज चाहिए याद रखिएगा एक रुपए से लेके बीस रुपए तक का कॉइन इसमें उपलब्ध होगा आपको जितना भी पेमेंट करना है इसके अंदर में उतना आप कॉइन निकाल लेना और क्या करना भुगतान कर देना ठीक है तो मैंने बता दिया कि एक तरह का ये सिमिलर होगा एटीएम मशीन की जगह जहां आप एटीएम मशीन से करेंसी निकालते हो तो इन कॉइन वेंडिंग मशीन से आप क्या निकालोगे कॉइन निकालोगे यानी सिक्के निकालोगे यूपीआई यु, पेमेंट इंटरफेरेंस याद रखिएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी यूपीआई के तहत इसमें यूज कर सकते हैं इसके लिए कोई कार्ड नहीं होगा आपको यूपीआई पे क्यूआर आर आपका क्रिएट होगा क्यूआर आपको स्कैन करना है और पेमेंट करना है उसके बाद ही आपको कॉइन मिलेगा कोई भी इसके लिए कार्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं लेना है ठीक है तो ये सब चीज मैंने बता दी एक रुपये से लेकर बीस रुपया तक इसमें रहेगा आप इसे अवेलेबल कर सकते हो भारत के अंदर उन्नीस जगह के में मौजूद बारह शहर के अंदर में ये लगाया जा रहा है स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे मार्केट रेलवे स्टेशन मॉल्स वगैरह में लॉन्च किया जाएगा ताकि अगर ये अच्छे से काम कर पाए ना भैया तो ठीक है देखिए बेसिकली आरबीआई ये सब क्यों करना चाहती है अगर आप पूरे भारत में देखेंगे ना तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना एक बयान मैंने लाया है हाँ ये देखिए एक बयान लाया गया है मैंने डिप्टी गवर्नर के द्वारा उन्होंने ये कहा कि भैया जी हम ये देख रहे हैं ना कहीं पे ना ईस्ट मानी आप ईस्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ईस्ट साइड में देखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा कि यहाँ पे क्वाइन का डिमांड बहुत है ठीक है और सप्ला सप्लाई जो है कम है नॉर्थ ईस्ट में क्या है क्वाइन का डिमांड जो है बहुत कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इससे स्टोरेज इस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी इस था डिमांड का की कमी आ रही थी इसके कारण से आरबीआई ने तय किया कि क्यों ना भैया ऐसे ले आए जो तुरंत हमको क्या करें दे सके दूसरी बात अगर हम इन सब चीज का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या बढ़ेगा ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा आपको पता है कि क्वाइन का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ नोट इसलिए पहला तो आरबीआई इसको लेना चाहती है कि भाई आरबीआई जो नोट बनाती है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है और की कॉस्टिंग कम आती है ठीक तो हाँ तो है तो इसकी हम, इसकी हम मैंने बता दिया कि कहीं पे बहुत ज्यादा हाई डिमांड है तो सप्लाई कम है सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम है इस मिसमैच को हटाने के लिए पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में क्वाइंस पर्टिकुलर रूप में सर्कुलेट हो उसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हाँ इस तरह की चीजों को अपनाया जाए मैंने बता दिया इसका फायदे क्या है फायदे यही है कि आपको कहीं पर भी अवेलेबिलिटी हो सकती है की की जहां आप की जो मांग होती है ना कि भैया छुट्टा नहीं है तो टॉफी पकड़ा देते हैं ऐसा कुछ काम कर देते हैं तो वो सब चीजें प्रॉब्लम हट जाएगी भैया छुट्टा है भाई पैसे दो मेरे अब चॉकलेट देने से काम नहीं होगा भाई बच्चा नहीं हो जो आप चॉकलेट दे दो दुकान वाले भी क्या करते हैं चॉकलेट दे देते हैं बोलते भाई चेंज नहीं आप ये चॉकलेट ले लो तीन रुपए की आपने पांच रुपए दिया ना तीन रुपए में खुलना नहीं और चॉकलेट ले लो इससे क्या होगा आप दो रुपये निकालो और दोर पे दो रुपये ही उनको दो ठीक है तो ये फायदा होगा इजी होगा इजी ऑफ एक्सेस टाइम बचेगा आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कटेगा तो ये फायदा होंगे कि हाँ भैया जी चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है तो चेंज का प्रॉब्लम होता था इंडियन इकोनॉमी के अंदर में वो कहीं ना कहीं पे फायदा मिलेगा नुकसान यह है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ बैंक के पास ना एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगे जो बैंक एटीएम मशीन लगाई है उनका खर्चा तो वो उठाती हैं अब ये वेंडिंग मशीन भी लगाएंगे अगर बैंक के साथ लिंक करके आरबीआई तो क्या होगा इसका भी खर्चा उनको उठाना पड़ेगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाएगा ठीक है दूसरी बात इसका अगर हम एवरेज मेंटेनिंग कॉस्ट अगर पॉइंट की बात करें तो एक दशमलव ग्यारह पैसे रुपए कुछ आता है तो अब मान के चलिए आपने एक रुपया तो आपने तो कॉस्टिंग भी उसकी कवर नहीं की भैया जी आपने तो एक रुपया निकाला तो उसमें तो कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा है ना तो ये सब चीजें हमको पे देखने को मिल रहा है डिजिटल पेमेंट का हम बात करते थे हम बात करते थे जहां डिजिटल पेमेंट कैसा डिजिटल पेमेंट एक रुपए से लेके हजार रुपए तक करोड़ रुपए तक आप क्या कर सकते हो लाख तक क्या कर सकते हो डिजिटल पेमेंट कर सकते हो उसको आप कहीं ना कहीं अब फिर क्या कर रहे हो फिर पीछे छोड़ रहे हो अगर भैया दो रुपए ही है तो आप यूपीआई करवा दो ना दो रुपए डायरेक्ट दुकान वाले को ठीक है ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है इससे कॉस्ट भी बढ़ रहा है तो ये कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स है इसके इसलिए मैंने चर्चा कहा दूसरी बात आरबीआई ने ई e रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो भैया जी तुमको यही कर रहा था तो ई e रूपी का पायलट प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया फिर यहाँ पे भी सवाल कर रहा है लेखक लेखक नहीं सॉरी न्यूज में यहाँ पे भी सवाल हो रहा है कि भैया ई रूपी का जो कॉन्सेप्ट था फिर उसको क्यों लाया गया जब आपको यही करना था लास्ट में तो ये सब चीजें यहाँ पे सामने आ रही है तो कॉइन वेंडिंग मशीन बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है यार सिंपल समझिए वेंडिंग है। वेंडिंग मशीन मशीन है से जैसे आप सामान निकालते हो पैसे डाल के वैसे ही क्यू आर स्कैन करके आप यहां से कॉइन निकालोगे और उस कॉइन का इस्तेमाल करोगे याद रखिएगा 19 जगह के में ये लॉन्च हो रहा है 12 शहर के अंदर में अभी नाम नहीं बताया गया शहरों का उसके नाम आएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ठीक है जरूरी यह था कि अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे इंडियन इकोनॉमी में कहीं पे सप्लाई ज्यादा है क्वाइन का तो डिमांड कम है कहीं डिमांड ज्यादा है है तो सप्लाई कम है। उसको एक तरह से सर्कुलेट करना पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में फायदे हैं छुट्टे मिल जाएंगे यार जल्दी से जल्दी से आप भुगतान कर सकते हो इनिशियल तुरंत पेमेंट कर सकते हो इजी टू तो एक्सेस है इसके नुकसान क्या है लागत भाई एक रुपए से ज्यादा लागत है तो अगर आप एक रुपया ही निकालते हो तो इससे नुकसान होगा ठीक है नुकसान होगा लागत फिर लागत का बर्डन आने लगेगा बैंकों के ऊपर में डिजिटल पेमेंट को आप पीछे कर रहे हो आप फिर करेंसी या क्वाइन को ही प्रमोट कर रहे हो ई रूपी का जो कॉन्सेप्ट था उसको आप कहीं ना कहीं फिर पीछे कर रहे हो ये सब चीजें यहाँ पे रखी गई है आपको क्या करना है चैलेंजेस इसका फाइंड आउट करना है देखिए मेंस के आस्पेक्ट इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्री में हो सकता है पूछ दे इसलिए मैंने चर्चा किया मेंस मेंस में कुछ सवाल ऐसा बनता नहीं है लेकिन मैंने चैलेंजेस जान के लगाया क्योंकि यार देखो भारत में ना वेंडिंग मशीन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है ऐसी वेंडिंग मशीन ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हम आपको दिल्ली के अंदर में बहुत सारे मिलेंगे ठीक है दिल्ली के अंदर में आप जगह 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 पे वेंडिंग मशीन है जहां पे आप ड्रिंकिंग वाटर निकाल सकते हो पैसे देकर ठीक है अब वो वेंडिंग मशीन काम नहीं करते हैं ठीक है? है अगर आपको मेरे बात में विश्वास नहीं आप चेक करना वो वेंडिंग मशीन काम नहीं करते हैं क्यों क्योंकि उनको चाहे तो पब्लिक के द्वारा हाँ मतलब नुकसान पहुंचाया जाता है ऐसी चीजें पब्लिक उसका दुरुपयोग करती है तो डस्टबिन रखा रहता है तो उसको उखाड़ के ले जाते हैं तो ये जो चैलेंजेस है ना इंडियन इकोनॉमी में तो ये सब चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है एटीएम मनी एटीएम एक सिक्योर्ड है एक जगह पे सुरक्षित रहता है बहुत सारा वेंडिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट भारत में फेल होते आया है हम लोग लगातार दिख रहा है कि कैसे फेल हो रहा है रेलवे स्टेशन पे बहुत जगह वेंडिंग मशीन काम नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं होता कभी कभी लोगों का पैसा फंस जाता है उसमें अब क्यू आर स्कैन किया पैसा डाल दिया अब सामान ही नहीं निकल रहा है तो ये सब चीजें हम लोग को चैलेंजेस यहाँ देखने को मिलती है तो आप ये सब चीजें कवर अप कर लेना ठीक है बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है मैंने माइक्स का बहुत सेटिंग किया है बट पीछे चल रहा है ना जो म्यूजिक उसके बाद लगातार बोल रहा हूँ ना तो मेरे माइंड में जरूर इरिटेशन हो रहा है तो आप एक काम करना सेशन को यार पांच तारीख के बाद ही रखना आप क्योंकि अब सेशन नहीं आएंगे मैं भी बोल दे रहा हूँ बहुत दिक्कत हो रहा है इस तरह सेशन लेने में रात में भी नहीं ले सकता बजे रात को चिल्लाऊंगा सारे लोग डिस्टर्ब डिस्टर्ब होंगे वैसे ही हो रहा है तो आप सेशन को एक बार लाइक कर दो शेयर कर दीजिए क्यू आर ब्रेंडिंग मशीन चर्चा में था मैंने चर्चा कर दी आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हो अगर नहीं भी हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना यार पांच तारीख बाद ये सेशन दोबारा ले लूंगा कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से बातें करेंगे अपन लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेरा प्राइमरी उद्देश्य यही है कि आपको हर एक चीज मेरे पढ़ाई गई चीजें समझ में आनी चाहिए ठीक है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं जाके देख सकते हैं तब तक रखिए अपना ध्यान मुझे दिया गया धन्यवाद जय हिंद जय भारत